हाय एवरीवन, वेलकम करते हैं कौन न्यू वीडियो में। तो इस वीडियो में पे रिव्यू करने वाले हैं WCC3 के न्यू ट्रेलर के बारे में। तो यहाँ पे गाइस WCC3 ने कौन न्यू ट्रेलर रिलीज कर दिया है, जिसमें यहाँ पे इन्होंने वेस्ट इंडीज़ की ऑफिशियल टीम का अनाउंसमेंट करा है और उन्होंने बताया वेस्ट इंडीज़ की ऑफिशियल टीम आने वाली है WCC3 में। तो ट्रेलर आप लोग यहाँ पे गाइस स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो यहाँ पे प्लेयर के फेसेस दिखाए गए काफी अच्छे लग रहे हैं। प्लेयर के फेसेस आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक देखने को मिल रहे हैं। ऑलमोस्ट 95 से आप लोगों को ऑलमोस्ट 100% अब इससे ज़्यादा रियल आप लोग क्या लेंगे, तो बहुत ज्यादा यहाँ पे आप लोगों को रियल फेसेस देखने को मिल रहे हैं। और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों को जो फेसेस यहाँ पे दे रही है कंपनी, वो आप लोगों को ऐसा नहीं है किसी की बॉडी के साथ किसी को मतलब किसी का भी फेस लगा दिया है, प्रॉपर बॉडी स्ट्रक्चर के साथ वो फेस मैच कर रहा है। तो काफी अच्छी चीज लग रही है कि हाँ ऐसा नहीं है कि किसी का भी फेस उठा के किसी के ऊपर लगा दिया है। जो स्ट्रक्चर बॉडी आप लोग देख रहे हैं काफी अच्छी चीजें लग रही हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पे आप लोगों को ऑफिशियल जर्सी देखने को मिल जाती है वेस्ट इंडीज की। यहाँ पे आप लोगों को ऐसे ही आप लोगों को सेम देखने को मिलेगी वेस्ट इंडीज की जर्सी, और वो अब आप लोगों को WCC3 में देखने को मिलने वाली है। इतना ही नहीं गाइज, आप लोगों को यहाँ पे जो नेम है वो भी आप लोगों को रियल देखने को मिलने वाले हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि नेम भी अब आप लोगों को रियल में देखने को मिलने वाले हैं। तो आई थिंक अब जो एडिट का ऑप्शन था वो हट जाएगा, ऐसा कुछ हो सकता है। बाकी यहाँ पे अभी तो ऑफिशियल यहाँ पे वेस्ट इंडीज की जर्सी इन्होंने अनाउंसमेंट करी, मतलब वेस्ट इंडीज टीम अनाउंसमेंट करी है। बाकी यहाँ पे देखते हैं और भी जो टीम आने वाली है उसमें आप लोगों को किस तरीके का चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं। बाकी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि बैकग्राउंड में जो लाइटिंग है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है, और नीचे जो आप लोग यहाँ पे स्टेडियम जिस स्टेडियम में वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर आ रहे हैं वो स्टेडियम के नीचे जो टेक्सचर देखेंगे वो भी यहाँ पे इम्प्रूव करा गया है। बाकी यहाँ पे ग्राफिक्स के मामले में अभी बात गाइज नहीं कर सकते, क्योंकि ग्राफिक्स वैसे तो बहुत अच्छे जो ट्रेलर में है वो बहुत अच्छे ग्राफिक्स देखने को मिल रहे हैं। ग्राफिक्स इंप्रूवमेंट होगा कन्फर्म बात है, बट यहाँ पे अभी मैं आप लोगों को बताऊँ जो ट्रेलर में ग्राफिक्स देख रहे हैं क्या एक्चुअल में गेम में आएंगी इसकी मैं कन्फर्मेशन नहीं दे सकता हूँ। क्योंकि गाइज WCC3 के जितने भी ट्रेलर आते हैं उसमें ग्राफिक्स काफ़ी अच्छे दिखाए जाते हैं, बट गेम में जब अपडेट आता है तो इतने अच्छे वो ग्राफिक्स नहीं होते हैं। तो देखने वाली बात होगी जितने अच्छे ग्राफिक्स ट्रेलर में दिखाए गए हैं क्या वो ऐसे ही आप लोगों को यहाँ पे WCC3 में देखने को, जो अपडेट में अपडेट आएगा उसमें ऐसे ही ग्राफिक्स देखने को मिलेंगे या नहीं, इसके बारे में यहाँ पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि ग्राफिक्स के मामले में अभी मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता। बाकी जो ट्रेलर है काफ़ी अच्छा लग रहा है, जो अब आप लोगों को यहाँ पे प्लेयर के फेसेस भी रियल देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे नेम देखने को रियल मिल रहा है, इससे ज़्यादा एक क्रिकेट गेम में आप लोगों को क्या चाहिए। तो फर्स्ट ऐसी मोबाइल क्रिकेट कंपनी है जो हम लोगों के लिए इतनी सारी चीज़ें मतलब जो रियल फेसेस है वो फर्स्ट मोबाइल क्रिकेट कंपनी है जो हम लोगों के लिए प्रोवाइड कर रही है, वो भी इतनी अच्छी तरीके से। इससे पहले आए हैं गाइस, ऐसा नहीं है कि किसी ने रियल फेसेस लाए नहीं है, बट इतनी अच्छी तरीके से इतने मतलब प्रॉपर वे में और इतने ज़्यादा ऑप्टिमाइज करके मतलब बिल्कुल रियलिस्टिक फीलिंग देने के लिए इतना अच्छा किसी ने भी नहीं दिया। मतलब फर्स्ट टाइम WCC3 मतलब जो हम लोग के लिए ला रही है काफ़ी अच्छा फीचर हम लोग को लगा है, मतलब मुझे लगा है काफ़ी अच्छा। बाकी आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा। और रिलीज डेट की बात करें तो मैंने आप लोगों को अपनी कई सारी वीडियो में बताया है कि फरवरी के एंड में आप लोगों को अपडेट देखने को मिलना चाहिए, और अगर थोड़ा बहुत डिले भी होता तो मार्च का फर्स्ट वीक यानी फरवरी के एंड से मार्च के फर्स्ट वीक तक आप लोगों को अपडेट देखने को मिल जाना चाहिए। तो आई होप गाइस आप सभी को वीडियो अच्छी लगी वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आप सभी को बहुत जल्दी नई वीडियो तक के लिए। जय हिंद, गुड बाय।